नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित सरयागंज टावर चौक पर ऑटोमोबाइल नंबर 1 के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सरयागंज टावर चौक पर पहुंचे आला अधिकारी नगर DSP मुकुल रंजन और अपने जांच अधिकारियों के साथ इस अभियान का जायजा लिया। आपको बता दें कि अपने कारनामों से चर्चा में रहे नगर DSP मुकुल रंजन ने कई मामले का तहकीकात कर उसके खुलासे किए हैं, जिसमें बीते दिनों पुरानी गुदरी से अपहरित शिशु को भी DSP मुकुंद रंजन ने सकुशल बरामद कर लिया था। ना सर, ऐसा बात नहीं। सिवान की महिला पुलिस कांस्टेबल स्नेहा कुमारी की सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि मुंगेर शॉप पहुंचने के बाद परिजनों का कहना है कि ये स्नेहा का शव नहीं है, जिसको लेकर रामनगर थाना क्षेत्र के नवागढ़ी में शव को रखकर सड़क जाम भी किया गया। स्नेहा के परिजन उसकी मौत को सुसाइड के बजाय मर्डर बता रहे हैं। पटना में स्नेहा के शव का पोस्टमार्टम कराने आए उसके पिता और भाई ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मृतिका स्नेहा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं उन्होंने सिवान पुलिस की कार्यवाही पर भी आपत्ति और असंतोष जताते हुए कहा कि पुलिस ने आनंद फानन में स्नेहा के डेड बॉडी को घर से निकाल दिया, जबकि नियम के अनुसार घर के अंदर प्रवेश किए जाने की सारी घटना की मीडिया की उपस्थिति में और उसकी फोटोग्राफी करानी चाहिए थी। उन्होंने पुलिस द्वारा स्नेहा के लिखे सुसाइड नोट पर भी संदेह जताते हुए कहा कि उसकी हैंडराइटिंग की मिलान होनी चाहिए। वहीं स्नेहा के भाई ने अपनी बहन की मौत को एक गहरी साजिश का परिणाम बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे CBI और क्राइम ब्रांच से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। हमेशा हमसे हर बात शेयर करती थी, ऐसा कभी कुछ जिक्र नहीं की कि उसके साथ कुछ भी वहाँ कोई हादसा हुआ या कुछ भी। वो हमसे बृहस्पत को एक दिन पहले भी बात की, वो हमसे ये भी बोली कि गर्मी है, हमेशा फल उल लेके खाया करो, जो भी पैसा का कमी होगा हम भेजेंगे। और वो उसका मोबाइल बृहस्पत तक ऑनलाइन बृहस्पत को वो स्टेटस चेंज की है। उसका मोबाइल बृहस्पत के सामने हम स्टेटस लगाए थे, वो तुरंत देखी है। उसके बाद अगर कुछ हुआ भी होगा उसके साथ तो बृहस्पत के रात में ही हुआ। ये बात है, चलिए मान लेते हैं कि इस चीज को जो है वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं सुसाइड दिखा रहे हैं, और SP वहाँ के जो SP हैं नवीन चंद्र झा जी, ऐसा उनका स्टेटमेंट ये था कि मतलब इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया। लेकिन वहाँ इस चीज़ को जब बॉडी को, सब पहला बात है, यदि मतलब वो सरकारी एम्प्लॉयज हैं और उस डिपार्टमेंट में मतलब काम कर रही है, सबसे पहले बात है आप जब गार्जियन को इंटीमेट कर चुके हैं कि भाई आपकी बेटी, मान लेते हैं पहले तो है कि इंटीमेट ये किया गया है कि आपकी बेटी सीरियस है, ऐसा नहीं बताया गया कि सी इज नो मोर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो जब वहां पहुंच रहे हैं, मान लेते हैं इस तरह का यदि हरकत हो चुका है, इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है, तो सबसे पहली बात है कि आप गार्जियन को इसको जो है मतलब पर्दे में नहीं रखना चाहिए, पर्दे में नहीं रखना चाहिए। और बॉडी को जब रिकवर किए तो उस समय जो है हमारा वहां जो पेरेंट्स का प्रेजेंस जो था ये अनिवार्य था। इस चीज सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा कि ये जो है जो डिपार्टमेंट ने मैंने जो गलती की है उसमें सबसे पहले जो बॉडी को रिकवर किया गया, वहां से रिमूव किया गया, वहां जो है बिना पेरेंट्स के रिमूव किया गया, ये सबसे पहला, ये सबसे सस्पेक्टेड मैटर होने का कारण। वीडियो बनाएंगे, फुटेज बनाएंगे, देयर इज नो वीडियो एंड फुटेज सर, दिस इज नॉट ए सुसाइड, इट इज ए सेक्रेट, एक सेक्रेट मर्डर, एंड इट इज it is investigated by a high commission team. मर्डर कैसे, क्यों उसका हो सकता है? इसलिए मर्डर इसलिए होना चाहिए, मर्डर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें भाई फाइल, उनका फाइल फोटो दिखाइए, यदि वो हैंग करके ही लटकी है फांसी से, बताया जा रहा है कि भाई SP साहब बता रहे हैं कि ये जो है फांसी मतलब फैन में जो है हैंग करके जो है ना फंदे से लटकी हुई है, तो उसका फाइल फोटो होना चाहिए। फाइल फोटो आप जो है वहाँ का जो लोकल मीडिया
एटीएन लाइव है वो भी नहीं दिखा रहा है। वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है, मैंने कहीं से फोन करके पूछा तो वो भी नहीं बताया। बॉडी को रिकवर जब किया गया तो बोला भाई किसी को नहीं दिखाया, न तो मीडिया को वहाँ पहुँचने दिया। जब उसके साथ क्या हुआ होगा तो एक मिनट कर। सीतामढ़ी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शहर के सबसे पॉश इलाके किरण चौक पर स्थित चर्चित दवा दुकान मनोज सर्जिकल पर अपराधियों ने ताबातोड़ गोलियां चलाई। शहर के बीचों बीच ताबातोड़ फायरिंग की इस घटना से शहर में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं अपराधियों की चलाई गई गोली दुकान पर मौजूद ग्राहक को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रंगदारी के लिए दवा दुकान मालिक को अपराधियों ने टारगेट किया था। लगा कि कोई छो गया, पटाखा वगैरह फूला। उसके बाद भीतर गया तो जलन होना शुरू कर दिया, ब्लड निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो ड्रेसिंग वगैरह कर दिया, फिर सब लोग लेकर आपके पास आए। उधर सीतामढ़ी में लगातार अपराधी घटना के विरोध में शहर में लोगों ने जमकर हंगामा किया। विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने शहर के किरण चौक पर आवागमन को पूरी तरह से ठप कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोग शहर के नगर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली से आक्रोशित थे। अपराधी घटना के विरोध में शहर के व्यवसायियों ने भी अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखा। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर दो पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने गोलीबारी कर लूटपाट की, तो वहीं एक दवा प्रतिष्ठान और एक कपड़ा व्यवसायी पर अपराधियों ने ताबातोड़ गोली चलाई है। काम करते हैं यहाँ के डीएम साहब से लेकर और पर्सद दरोगा जी और मोबाइल टाइगर हमेशा घूस लेने का काम करते हैं। डीएम साहब का 24 घंटा काम है कि अपना फेसबुक पर पर्सनालिटी चमकाने का काम करते हैं। उनको यहाँ से भेजाने के बाद भी फिर हाईटेक तरीका से पैर भी कराकर और फिर यहाँ से आने का काम किया है। इसलिए मैं जिला प्रशासन को तन मन धन से विरोध करने का काम करूंगा। अगर प्रशासन के द्वारा यह अपराध नहीं रोका गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन में बैठने का काम करेंगे। सीतामढ़ी के आम लोगों का बंदी है। जब दवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह के दुकान पर हमला किया जा रहा है, जब वो अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो यहाँ का आम पब्लिक कैसे सुरक्षित है। और इससे पहले उनको रंगदारी का मांग किया गया था, यकीन खेतान का हत्या हुआ था, उन्होंने लाइसेंस का मांग किया जो आज तक उनको लाइसेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया। ये कैसा प्रशासन है। यहाँ पर बगल में शिवहर का जिला है, देखिए हर महीना में 10-20 लाइसेंस दिया जा रहा है और यहाँ 10 साल में 10 लाइसेंस नहीं निर्गत हुआ है। कूल्हे की ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उमेश कुमार की नारायणी हॉस्पिटल में दाखिल महिला की दो बार डॉक्टर द्वारा असफल ऑपरेशन करने एवं हाई एंटीबायोटिक दवा चलाने के बाद जब एक किडनी खराब हो गई तो डॉक्टर द्वारा उस महिला को करीब एक माह बाद रेफर कर दिया गया। यह कोई दूसरे की कहानी नहीं है बल्कि जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं पश्चिम चंपारण प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन सिंह की आप बीती है। वही दो बार असफल ऑपरेशन के बाद स्थिति बिगड़ती देख पत्रकार ने अपने व्हाट्सएप पर लिखा कि उमेश कुमार की क्लिनिक में वो बुरी तरह से फंस गए हैं। यह पर डॉक्टर उमेश कुमार तिलमिला उठे और उन्होंने पत्रकार को बुलाकर कहा कि आप पुनः लिख दीजिए कि डॉक्टर साहब काफी मदद कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर साहब ने अपने निजी पैड पर लिखकर लाया कि डॉक्टर साहब काफी मदद कर रहे हैं और उन्होंने सफल ऑपरेशन किया है तथा मेरी भूल से उन्हें यह झेलना पड़ा है। वही पत्रकार ने डॉक्टर एवं उनके गुर्गे कंपाउंडर के दबाव में मजबूर हो उस लिखित बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद 20 मई को गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उमेश कुमार ने अपने सहयोगी फिजिशियन डॉक्टर अंजनी कुमार को बुलाकर पीएमसीएच या किसी प्राइवेट क्लिनिक में ले जाने की बात करते हुए उन्हें रेफर। मैं अपनी पत्नी की कुंधे के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उमेश कुमार के नारायणी हॉस्पिटल में दाखिल कराया 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को जो है दाखिल को भर्ती कर लिया उन्होंने और जो है उन्होंने 25 अप्रैल को कूल्हे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 1 मई को उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग करने के बाद कहा कि ड्रेसिंग और घाव सूख रहा है, ठीक है, आप घर ले जा सकते हैं और जो है समय पर ला करके ड्रेसिंग कराते रहिए। मैं घर लेके गया 1 मई के शाम में और रात में स्थिति बिगड़ गई। फिर पूरा महीना 2 तारीख से मिला
उन्होंने कहा फिर लाभ से ले आइए, मैं ले गया वहाँ पर, तो उन्होंने भर्ती कर लिया फिर, और स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ गई, पैर पूरा सूज गया था जिसमें ऑपरेशन हुआ था, और कूल्हा फूल गया था, बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उन्हें भर्ती कर लिया और उन्होंने 7 मई को पुनः उसका ऑपरेशन किया, पूरा फिर से जो है पैसा वैसा जमा कराया, सब कुछ किया। उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने के बाद कहा कि जो है इसमें इन्फेक्शन हो गया, मैंने बॉल को निकाल दिया बाहर, और जो है अब इन्फेक्शन ख़त्म होगा तो जो है इसका ऑपरेशन 4 माह बाद फिर किया जाएगा, तीसरा मर्द का ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने हाई एंटीबायोटिक चलाना शुरू किया दोनों टाइम, नतीजा क्या हुआ कि 1 माह के करीब नीचे में जो है उनका जो है किडनी फेल करने लगा, जो स्थिति और बिगड़ गई। तो उन्होंने 22 मई को जो है कहा कि या जो है आप बाहर ले जाना होगा, यहाँ ठीक नहीं होगा, और जो है उन्होंने बुला करके डॉक्टर अंजनी कुमार को अपने सहयोगी हैं, उनके हर ऑपरेशन में उनका अलग से फीस दिलवाते हैं, उनको बुलाते हैं, और जो है उन्होंने कहा कि आप बाहर ले जाइए और रेफर कर दिया। उसके बाद से मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाकर दाखिल कराया और वहाँ स्थिति चिंताजनक है और जो है उनका इलाज चल रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के अरविंद कुंवर के घर डकैतों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने 30,000 रुपए नगद सहित करीब 10 लाख रुपए का आभूषण कपड़ा ले चंपत हो गए, और इसके साथ ही अपराधियों ने घर के सामानों को दूर खेत में ले जाकर बिखेर दिया। वहीं पीड़ित की सूचना पर केसरिया थाना पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। रात 1 बजे के करीब में जब चोरी हुआ है, जो हमने जब नींद टूटा मच्छर काटने लगा तो मच्छर अगरबत्ती जलाने के लिए उठा तो मेरा गेट बाहर से बंद था, बगल वाला रूम में चोरी की घटना घटी है। हमने केवाड़ी खोलने की कोशिश की तो केवाड़ी बंद पाया, जोर से धक्का दिया तो निकले तो देखे भाई साहब का मेरे रूम से सारा जेवर गहना कपड़ा सब चोर चुरा कर ले गया। बगल के रूम माँ का भी, मेरी माँ छत पर सोई थी और पापा जी द्वार पर थे, हम लोग घर में एक बल कमरे में थे। आभूषण कितना के आसपास का उठा? आभूषण लमसम 8-10 लाख रुपया का होगा। कपड़ा लता सब? कपड़ा लता भी है, बहुत चीज है, नगद रुपया भी 15-20 हजार से ऊपर लेकर गया है सब चोर। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने डीएमयू ट्रेन से 15 दिनों से पूर्व अपहरित एक युवक को बंद बोरे से जिंदा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नवादा जिले का गुलशन कुमार नवादा कोर्ट गवाही देने आया था, तभी बोलेरो सवार आधे दर्जन अपहरणकर्ताओं ने उसे अगवा कर काफी दिनों तक जंगल में रखा। उसके बाद बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर जाकर उसे नशे की दवा सूंघा, जिंदा बोरे में बंद कर ट्रेन की सीट के नीचे रख फरार हो गया। जब ट्रेन बिहार शरीफ पहुंची तो ट्रेन में तलाशी के दौरान जीवित युवक को बोरे से बरामद किया गया। उधर नालंदा जिले के सिलाव थाना इलाके में मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से गला काट कर निर्मम हत्या कर दी है। हत्या का आरोप छोटे भाई, सगी माँ और भाभी के ऊपर मृतिका की पत्नी ने लगाए हैं। दिल दहला देने वाली यह घटना सिलाव थाना इलाके के भूई महादली टोले की है। छोटी की टांगी लेके आ छोटे का आ माइया और का डेढ़ साली और भाईवा छोटका कुछ नमा है नमा ना जाने वो नमा जाने कुंडन बोला और जानिया के नाम हो सिलाउनी और खुशबू। खुशबू कौन हुई? खुशबू डेढ़ सालिया होलो। किसका डेढ़ साली है? ओकरे जे मार को जेकरा डेढ़ सालिया माने कुंदन का। किसका? कुंदन के डेढ़ साली होलो। और बोला कि घरेलू झगड़ा हो गया, चलिए जरा समझा दीजिए। तो हम आए थे समझाने के लिए, पूछा कहाँ झगड़ा हुआ, तो बोला कि केमाड़ी पटक दिया था, तो हम उसको मना किए थे इतना कस के केमाड़ी मत पटको। तो आके हम समझा बुझा दिया दोनों को, दोनों तरफ से आराम से सोया सब रात में, और सुबह मतलब ये लोग कहाँ गया फिर हम देखा नहीं।
बेगूसराय में पुलिस ने मैजिक वाहन से शराब उतारते शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से महिला समेत चार तस्कर को गिरफ्तार करते हुए एक मैजिक वाहन, 3 बाइक और 44 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए हैं। वहीं पुलिस गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और कहां भेजनी थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। थाना अंतर्गत आज प्रातः गुप्त सूचना मिली कि दनियालपुर में सेंट्रल बैंक के पीछे वाली गली में शराब का खेप उतारा जा रहा है। इस क्रम में थानाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं सत्यापन किया गया, मुझे भी इंटीमेट किया गया, हम लोग भी पहुँचे। इस क्रम में वहां पर 44 पेटी लीकर बरामद हुआ, जिसमें कुल टोटल 382.32 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ 2 कुरियर लड़के जो कि वहां से लीकर ले जाने आए थे, ये हमारे लिए बहुत अहम सुराग है, वो वहां पर लीकर को लेने के लिए आए थे, और एक ड्राइवर, और इसके साथ साथ जो जिसके घर में पकड़ाया उसके घर से एक महिला की भी बरामदगी हुई है, जिनसे हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल हमारे पास उपलब्ध है, और इस मोबाइल का भी हम लोग इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पहचान कर रहे हैं, और इसमें जो शामिल हैं इसकी तहकीकात कर जो भी संदर्भ कार्रवाई कर रहे हैं। श्री श्री 108 श्री फलाहारी बाबा उर्फ श्री भागवत दास जी महाराज के अगुवाई में सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम बगहा नगर के सनफ्लावर चिल्ड्रंस एकेडमी मलकौली पठखौली बगहा 2 के प्रांगण में संपन्न हुआ। गरीब 12 कन्याओं का विवाह मां गंगा नारायणी विवाह महोत्सव के बैनर तले संपन्न हुआ। इस साल में हो किस बैनर के तले सारा कुछ बताना दीजिए। श्रीमद भागवत अनाथ सेवा संस्थान इकाई बगहा, इसका जो है संस्थान जो है यहाँ के हमारे सदस्यों के द्वारा, पूरे बगहा वासियों के द्वारा बगहा 2 के सानिध्य में ये हो रहा है। कहाँ कहाँ के की लड़कियाँ हैं, लड़के कहाँ कहाँ? ये पूरे कल यहाँ बगहा के तो 4 बच्चियाँ हैं, और यहाँ से मैनाताड़ से लेकर और वाल्मीकि नगर के बीच तक ये सारी बच्चियाँ, मतलब पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण से कैसे क्या प्रोग्रामिंग होती है इसका? रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन सभी का जो हम पेपर लेते हैं, उनकी बच्चों का जो आधार कार्ड लेते हैं, लड़के का, लड़की का, उसके माँ का, उसके बाप पिताजी का, लड़के का भी और लड़की का दोनों, उसके बाद पूरी उसकी फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन मैं करता हूँ कि ताकि कभी भविष्य में इनकी जोड़ी जो है ये सुचारू रूप से बना रहे, बढ़िया से परमात्मा इनके ऊपर कृपा बना रहे। जो कुछ भी खर्चा होता है जी, वो चीज़ कहाँ से पड़ती है? ये सारी चंदा से होता है, मैं चंदा से करता हूँ, और हमारे जो कमेटी है, ये कमेटी के सानिध्य बहुत बड़ा होगा। विगत कितने दिनों से होते आ रहा है ये? तो हम लगभग 6-7 साल से करते आ रहे हैं। ये आगे भी ऐसे जारी रहेगा क्या? ये हमेशा 1100 कन्याओं का शादी का मेरा संकल्प है। मैं सारे चंपारण वासियों से, सारे देशवासियों से मेरा करवद विनती है कि ये मेरा पूरा पूर्ति होता रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महात्यागी भागवत दास फलाहारी बाबा। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।